अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अनुज कुकिंग व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब घरों में खैरियत से होंगे। आज यहाँ पे किचन बनाने जा रहे हैं लबे शीरी, वो भी मेरे स्टाइल में। अगर आप मेरे साथ लास्ट तक वीडियो में जुड़े रहेंगे तो आपके लबे शीरी बहुत ही मज़ेदार और डिलीशियस बनेगा। तो आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने 1 लीटर दूध लिया है, इसको मैंने बॉईल कर दिया है। जब तक हमारा दूध बॉईल हो रहा है वहाँ पे जेली रेडी कर लेते हैं। एक सॉस पैन लिया, इसमें मैं 1 कप पानी डाल रही हूँ। जैसे पानी हमारा गर्म होगा फिर इसमें जेली डाल देंगे। पानी हमारा गर्म हो गया, मैं इसमें जेली डाल दूँगी। मैं इसमें रेड कलर की जेली यूज़ करूँगी। कस्टर्ड मेरा जो है हम जो बना रहे हैं लबे शीरी वो वाइट होगा। आप जो है अपनी पसंद से कोई भी ग्रीन, ब्लू, येलो, जो भी आपको पसंद है फ्लेवर, मैंगो का, जो बनाना का जो भी फ्लेवर पसंद है आप वो ले लीजिए। मैंने रेड ली है। हमारी रेडी हो गई है, अब हम इसको चूल्हा बंद कर देंगे और उसको ठंडी होने के लिए प्लेट में जमाए डाल देंगे। अब इसको प्लेट में डाल दें। 2 प्लेटों में जमा रही हूँ ताकि ज़्यादा मोटी जेली भी ना हो और नॉर्मल। अब हम इसको जमने के लिए, ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। देखिए दूध हमारा बॉईल हो रहा है, इसके अंदर अब मैं इसके अंदर कलर्ड सवैयाँ डाल देती हूँ बॉईल होने के लिए। आप किसी भी ब्रांड की कलर्ड सवैयाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। चमचे चलाते रहेंगे ताकि जो है ये चिपके नहीं आपस में ना और गल जाए। ये 2 मिनट हो चुके हैं, 2 से 3 मिनट में ये गल जाते हैं इसको। अब मैं इसमें 1 टेबल स्पून चीनी डाल रही हूँ। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, वैसे 1 टेबल स्पून सही रहते हैं। चमचे चलाते रहेंगे। 2 मिनट के अंदर चीनी घुल जाएगी हमारी। आपको अगर मीठा टेस्ट पसंद है तो आप चीनी और ऐड कर लीजिए। मतलब 1 टेबल स्पून में इनफ रहता है 1 लीटर दूध के अंदर। मैंने फुल क्रीम एक मैंने जो लिया है, एक फुल क्रीम दूध लिया है, आप कोसे भी ले सकते हैं 1 लीटर। उसमें उसको बॉईल किया, कलर्ड सवैयाँ डाली है और चीनी डाल दी है मैंने 1 टेबल स्पून। और इसको पका रहे हैं, 2 से 3 मिनट इसको पकाएंगे हम। अब सब सेकंड सर्व करते हैं। मैंने 4 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर लिया है। ये 4 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर है, इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी और इसको हम घोल लेंगे। ताकि जो है इसमें लम्स ना बने, इक्वली ये पके। और इसको 2 से 3 मिनट तक हम पकने देंगे। आप देख रहे हैं ये खुद ब खुद गाढ़ा होता जा रहा है। बन पक रहा है, आप इसका कंसिस्टेंसी देख सकते हैं कितना होगा। ठंडा होने के बाद ये और गाढ़ा हो जाएगा। हम चूल्हा बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब हमारा कस्टर्ड ठंडा हो जाएगा तो अभी हम बाकी इसमें प्रेजेंटेशन करेंगे इसके। देखिए हमारा कस्टर्ड ठंडा हो गया, उसको हम अच्छे से मिक्स कर लें। कस्टर्ड हमारा ठंडा हो गया, इसको मिक्स कर लेंगे। अब हम पैकेट में क्रीम ले रही हूँ, आप कोई सी भी ब्रांड की क्रीम ले सकते हैं। इसके अंदर हम मिक्स कर देंगे। कोई सी मैंने बचा ली है गार्निशिंग के लिए, उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कस्टर्ड ये जितना चिल ठंडा होगा नहीं मज़ेदार लगता है, लेकिन ये फुल क्रीमी हो गया है। मैंने मिक्स फ्रूट लिए, इसमें अंगूर है, सेब है, केले हैं, अनार है,
आपकी मर्जी है, आप टैक यूज़ कर लें कॉकटेल, या जो आपका लूज फूड है तो वो यूज़ कर लें, जो ये आप पे डिपेंड करता है। आगे से मिक्स कर रही हूँ मैं, आप तो फ्रूट कॉकटेल भी डाल सकते हैं, या आपके पास जो भी फ्रूट अवेलेबल है वो डाल। अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। मैंने जो जेली बताई थी उसको मैंने बायोगैस कट करके बॉक्स में कर लिया था। आप कोई भी फ्लेवर यूज़ कर सकते हैं, मैंने ग्रीन भी यूज़ किया है और रेड भी किया है। थोड़ी थोड़ी इसमें डाल दी, थोड़ी गार्निशिंग के लिए मचा लेंगे और इनको मिक्स कर लेंगे। ये बहुत कलरफुल सा होता है लबेशीर, आपने देखा इसके अंदर आप मिठाई जो चमचम छोटी वाली होती है गुलाब जामुन वो भी डाल सकते हैं। जितना इसमें गुड़ डालेंगे वही होता है ना, इतना मीठा। हमारे रेडी हो गया, इसको अब हम डिश आउट कर लेंगे। हमें इसके ऊपर स्क्रीन अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरे हर नई आने वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। बस वो थोड़ी सी जेली डाल देंगे, जेली से गार्निशिंग कर देंगे। कलरफुल सी जेली हमारी, और इसके ऊपर हम नट्स डाल देंगे। आपको जो भी नट्स पसंद है, बादाम, पिस्ते, इसमें किशमिश वगैरह सब डाल सकते हैं। हमारा ये लबेशी रेडी है, आपको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। अपना ख्याल रखिएगा, फिर मुलाकात होगी किसी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।